नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है जीवन के मूल्यवान क्षणों का सदव्यय। बात है, यदि आप रात्रि में 10 बजे सोकर प्रांत 7 बजे उठते हैं, तो एक बार जरा 5 बजे भी उठकर देखिए। अर्थात व्यस्त की निद्रा एवं आलस्य से 2 घंटे बचा लीजिए। 40 वर्ष की आयु तक भी यदि आप 7 बजे के स्थान पर 5 बजे उठते रहे, तो निश्चित जानिए 2 घंटे के इस साधारण से अंतर से आपकी आयु के 10 वर्ष और जीने के लिए मिल जाएंगे। नित्य प्रति हमारा कितना जीवन व्यर्थ के कार्यों, गपशप, निद्रा तथा आलस्य में अनजाने ही विनष्ट हो जाता है। हम कभी इसकी गिनती नहीं करते। आजकल आप जिससे कोई कार्य करने को कहे, वही कहेगा जी अवकाश नहीं मिलता, काम का इतना अधिक क्यों है कि दम मारने की फुर्सत नहीं है। प्रांत से शाम तक गधे की तरह जूते रहते हैं कि स्वाध्याय, भजन, कीर्तन, पूजन, सदग्रंथावलोकन इत्यादि के लिए समय ही नहीं बचता। इन्हीं महोदय के जीवन के क्षणों का यदि लेखा जोखा तैयार किया जाए, तो उसमें कई घंटे आत्म सुधार एवं व्यक्तित्व के विकास के हेतु निकल सकते हैं। 8 घंटे जीविका के साधन जुटाने तथा 7 घंटे निद्रा आराम इत्यादि के निकाल देने पर भी 9 घंटे शेष रहते हैं। इसमें 1-2 घंटा मनोरंजन, व्यायाम, टहलने आदि के लिए निकाल देने पर 6 घंटे का समय ऐसा शेष रहता है जिसमें मनुष्य परिश्रम कर पर्याप्त आत्मविकास कर सकता है, कहीं से वहीं ही पहुंच सकता है। यदि हम सतर्कता पूर्वक यह ध्यान रखे कि हमारा जीवन व्यर्थ के कार्यों या आलस्य में नष्ट हो रहा है और हम उसका उचित सदुपयोग कर सकते हैं, तो निश्चित जानिए हम अनेक उपयोगी कार्यों के लिए खुला समय प्राप्त हो सकता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1957, पृष्ठ 5। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।